हम देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा, पृथ्वी पर का सबसे बड़ा जो फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। यानी कि इस फाइलम में जितने भी जीव या जंतु पाए जाते हैं वह पृथ्वी पर हर जगह और सबसे ज्यादा, यह फाइलम सबसे बड़ा फाइलम है, तो इसे हम फाइलम आर्थ्रोपोडा नाम से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रो और पोडा यह नाम किससे बना होगा, तो आर्थ्रो यानी कि जॉइंट, यानी कि संयुक्त, और पोड़ा यानी कि जो उपांग होते हैं उसके, पोड़ा यानी कि उपांग, पोड़ा यानी कि उपांग, इन दोनों को मिलाकर, संयुक्त और उपांग को मिलाकर आर्थ्रोपोडा बना है। क्या बना है? आर्थ्रोपोडा फाइलम बना हुआ है। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। अब जिन जंतुओं का शरीर खंडयुक्त होता है, कैसा होता है? खंडयुक्त होता है, और एक जोड़ी मजबूत संधित पार्श्वरो उपांग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संधित पार्श्वरो उपांग पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तु नाम के शास्त्रज्ञ ने बताया था। अरस्तु नाम के शास्त्रज्ञ ने बताया था। इन्होंने किसका वर्णन किया था? केकड़ों का वर्णन किया था। वान विबोल्ड ने 1845 में सबसे पहले इसकी आर्थ्रोपोडा फाइलम की क्या बताई थी हमें? परिभाषा, और हमें आर्थ्रोपोडा फाइलम की। तो अब हम देखेंगे उनके भीतर दिखाई देने वाले कुछ लक्षण, यानी कि उनके कैरेक्टर। तो यानी कि पृथ्वी की हर जगह पर मिलने वाला जीव एक ही फाइलम में आता है, वह कौन सा फाइलम है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो पृथ्वी की सभी जगहों पर पाए जाने वाले, इनका जो शरीर होता है, सिर, वक्ष और उदर, उदर उदर यानी कि किधर नहीं, इधर इधर, इन तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित और त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व सममित और त्रिस्तरीय, शरीर के प्रत्येक खंड पर एक उपांग, खंड पर उपांग, क्या पाया जाता है? प्रत्येक खंड पर शरीर के एक उपांग पाया जाता है, और संयुक्त नेत्रयुक्त जोड़ी, संयुक्त नेत्र जोड़ी। इनका जो श्वसन होता है वह वायु नली के द्वारा किया जाता है। श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? वायु नली के द्वारा। हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं केकड़ा, बिच्छू, मच्छर आदि स्वरूप। अब ज्यादा नहीं लिखूंगा, बहुत सारा है। यह फाइलम सबसे बड़ा है, यानी कि यहां पर जीव जंतुओं की कमी नहीं है, बहुत सारे है आर्थ्रोपोडा में। तो अब देखेंगे इनमें कुछ बच्चों को जन्म देने वाले भी होते हैं और कुछ अंडे के स्वरूप में बच्चों को जन्म देते हैं। तो और इसमें हम एक और उदाहरण देखेंगे,
ग्रास हॉपर मालूम है आपको? जो घोड़ा नाम से जाना जाता है, कहां पर भी हरियाली के ओर पाया जाता है यह। कहां पाया जाता है? हरियाली के भीतर। इसका शरीर भी द्विपार्श्व सममित और त्रिस्तरीय होता है। कैसा होता है? त्रिस्तरीय। द्विपार्श्व सममित। उसके बाद संयुक्त नेत्रयुक्त जोड़ी। उसके बाद इसके भीतर इसको चलने चलन पाद के लिए दो तीन पैरों की जोड़ी होती है। तीन जोड़ी युक्त पंजे पाए जाते हैं चलने के चलन पाद के लिए। दो जोड़ी पंख उड़ने के लिए। ऐसे बहुत सारे जीव है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के भीतर हमें दिखाई देते हैं। इनका शरीर जो होता है सिर वक्ष और उदर के भीतर डिवाइड किया जाता है। इन सब बातों को हमें देखना चाहिए और यह सब बातें मिलाकर जो हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा है यह बनता है। लेकिन फाइलम आर्थ्रोपोडा हो या कोई भी चैप्टर हो, सिर्फ किताबी ज्ञान होने से हमें सब चीजों का ज्ञान नहीं मिलता। इसके लिए हमें किताबों के बाहर जो भी ज्ञान होगा उसे देखना चाहिए। हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, हमारे आजू बाजू में कौन से जीव रहते हैं, इनका उपयोग क्या है, इनका हमारे जीवन पर प्रादुर्भाव क्या पड़ता है, इन सभी चीजों को, यह जीते कैसे है, बढ़ते कैसे है, रहते कैसे है, इन सभी प्रश्नों का हम जब तक सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक जितना भी पढ़ लोगे उतना पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अगर कोई चैप्टर हमें समझ में नहीं आता है तो उसे बार बार पढ़ने से बेहतर है एक बार समझ लिया जाए और उसे रिवाइज करते जाए, तो वह चैप्टर हमें पूरी तरह से समझ में आएगा।